हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरे। मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहां पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहां पे मल्टी टास्किंग एमटीएस का नॉन रिटेनर और हवलदार, जिसमें सीबीआईसी एसबीआर का जो है पोस्ट निकाली गई है, जिसका फॉर्म जो है 30 जून को स्टार्ट होगा और जो आपका लास्ट डेट रहेगा वो 21 जुलाई को आपको लास्ट आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 फीस रहेगी, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 फीस रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन डेट भी दिया गया है, 26 से 28 जुलाई के बीच में आप कर सकते हैं और जो आपकी परीक्षा है वो सितंबर में होगी। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम एज आपकी जो 18 साल होनी है और मैक्सिमम एज 25 से 27 साल पोस्ट वाइज है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ मिल जाती है और ये 10th बेस पे है, आपको ये पता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिंक मिल जाता है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँ, वहाँ से आप इजिली जो है चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, घंटा घंटी सब बजा लीजिएगा ताकि आप आगे की जो नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक मेरा ऑप्शन होगा डेस्कटॉप साइट, ये क्या करना है, मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे मोबाइल पर पूरा स्क्रीन आ चुका है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। अब आप यही तब कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे। अगर आप दोस्तों न्यू कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जो है डायरेक्ट वहाँ चेक करेंगे, आप आसानी से वहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन भी पता नहीं है, आपको पासवर्ड भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, तो क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप जो है मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक जो है ओटीपी, यहाँ पर कोई भी एक डाल देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ओटीपी जैसे ही डालेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और वहाँ पे आपको जो आपका पासवर्ड है वो फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन मतलब कि आपको न्यू पासवर्ड का क्रिएट करने का। अब पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे आपका नाम अमित है तो कैपिटल ए रखिए, बाकी स्मॉल MIT@123 ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी जो है स्टेप से आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्म भर के बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपको यहाँ पे डाल के ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे साइन इन लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पहला ऑप्शन है मल्टी टास्किंग स्टाफ, आपको इसी पर फॉर्म भरना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपका है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, इसी पे आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है अप्लाई प्रिंट डाउनलोड, तो हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका डिटेल्स रहेगा जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन में भरा है। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, इसके पहले आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हूँ, वो देख के आप वहाँ पर कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है जो रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई नहीं हो रहा था, तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा, न्यू रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार करके आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सेंटर प्रीफ्रेंस करने का, जो भी आपके घर के पास है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज कर लेना है तीनों में। दोस्तों, करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडियम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपना जो कंप्यूटर सीबीटी है देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, जैसे मैं हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी पे, दोनों में आपको हिंदी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे वेदर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक सर्विस मैन जैसे एयरफोर्स नेवी और आर्मी से रिटायर हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग आर्म कितना मतलब आप डेट ने किया है और आपने किस तारीख को डिस्चार्ज किया है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर मैं सिंपली नो करके चल रहा हूँ। नो करने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन, ये आपको PWD कैंडिडेट के लिए है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, हियरिंग सुनने में दिक्कत या किसी में, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो कर देना है।
नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन। अगर आपने एज रिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन ओबीसी अनरिजर्व हैव 3 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इन क्लोजिंग रिसिप्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सिविलियन एम्प्लॉय अनरिजर्व हु रिटायर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो कीजिएगा। नो करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब क्या है कि ये कोड दिया गया है, सारा स्टेट का कोड दिया गया है कि यहाँ यहाँ पे आपको ये सारा कोड भरना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर दिखा दे रहा हूँ, जितना भी कोड है आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर सारा आपको भरना है। यहाँ पर जैसे मैं 11 से शुरू कर रहा हूँ, 11, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे 12, आपको जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है 72 तक, वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपका नज़दीक है जो आप देना चाहते हैं वो सारा प्रेफरेंस आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर आपके क्लिक करना है। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, बीए है तो बीए कर सकते हैं, बीएससी है तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम। जैसे आपका सिंपल सा बीएससी है दोस्तों, ऑनर्स नहीं, ऑनर्स मतलब एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने बीएससी किया है तो यहाँ पर ये 9 वाला जो बीएससी है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपका बीएससी ऑनर्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बीए का भी है, बीकॉम का भी है, यहाँ पे आप जो भी हो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, ये आपका यहाँ पे 10th का है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस पे आ जाना है, यहाँ पे पास क्लिक कर देना है। पास पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे परसेंटेज क्लिक कर देना है कि आपका जो हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल, ये आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपका यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहेगा। अब आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो आपको बहुत सारी समस्या होती है, आपको बता दें कि फोटो आपका जो जल्दी का आप फोटो उसको टेकन हुआ हो मतलब जल्दी खींचाओ, फोटो पे नाम और डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वाइड आप बैकग्राउंड, वाइड बैकग्राउंड आप फोटो करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई भी करेंगे चल जाएगा, बस क्लियर रहना चाहिए और फोटो पे डेट और नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी फ़ोटो की साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी 50 KB से नीचे होने वाली है, और यहाँ पे आपकी जो है सिग्नेचर की साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होगा तभी आपको यहाँ पे लोएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेदर योर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन 21 अप्रैल, तो आपको क्या करना है यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलता है, चेकबॉक्स क्या करना है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा दाग के आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही प्रीव्यू बटन क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, सारा यहाँ पे फॉर्म आपको अपने ध्यान से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों अगर आपका कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडिट मॉडिफाई, तो यहाँ पे आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको सबमिट वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट, अब आपको क्या करना है यहाँ पे पेमेंट करना है। अगर आप ST और SC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, आपका डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आप जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट तो आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे आना है। ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे आना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो साइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, अदर बैंक, नेट बैंकिंग, यहाँ पे स्टेट, अदर डेबिट कार्ड, और यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप UPI करना चाहते हो UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, QR कोड और VPA। VPA वो होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो फोन पे गूगल पे है यहाँ पे डाल देंगे, तो आपका यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे आपका ले लेगा और आपका पेमेंट कट जाएगा, यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया, नहीं समझ में आता तुरंत कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।